तो जब भी कि मेरी फोटो आ जाती है या कोई जिस तरह कल परसों मैं PhD की डिग्री मिल गई तो वह कोई ना कोई गल मेरे से छड़ता कदे साढ़े ब्याह बारे च कदे किसी बारे च कदे किसी बारे च अज उसने बड़े संगीन इल्जाम लगाए कि जी मेरे पास कोई नौकरी मंगन आया मैं उन्होंने कहा कि मेरे भाणजे नूं मिलो उन्होंने पैसे दो ते उसने उस तो 2 करोड़ रुपया मंग लिया। मैं यही अरदास गुरु साहब को कीती है कि मैं कदे भी अपने भाणजे राही या अपने भतीजे राही कदे भी नौकरी देण दे पैसे ले हों या बदली कराउण दे पैसे ले हों तो मैं गुरु साहब अगे जिथे तो मैं सारा कुछ मिले चमकौर साहब के शहीदा सिंघां दी धरती कतलगढ़ साहब के अगे अरदास की है कि मैं थोड़ा देणदार है मेरा कुछ ना रहे। लेकिन ये बंदा जिहड़ा भंड किस्म का बंदा है हर रोज़ भंडद बिना कारण भंडद मेरे पास होर कोई चारा नहीं सी बचिया कि मैं पब्लिक को जावा तो गुरु साहब को जावा। इस बंदे ने झूठ दे उत्ते अपनी बुनियाद रखी भी है विजिलेंस ये कोल है विजिलेंस के राही बंदे तैयार करके कोई ना कोई गल कहाउंदे है तो हर तरीके दे नाल कोशिश कर रहे कि मैं अंदर करना। मैं प्लेयर का नाम नहीं दसना पर चन्नी साहब नूं मैं कह दिना कि 2-4 दिन होर ला लो भाणजिआं दे भतीजिआं नूं पुछ लो हो सकदा तुहानूं पुछे बिना भी काम करदे होण नहीं मैं प्लेयर सामने लै आउणा फिर उन्हां दी कुछ नहीं रहनी इस करके कृपा करके ढके रहो तो चंगा है। हाँ जांच इहदी जरूर करांगे कि ऐं दो करन दा मतलब की है ये मैं एक मिनट ये गल कह के मैनूं कोई TRP मिलनी ये गल मैं पहलां नहीं कही मैं जिद्दे मैच देखण गया उद्दे मैनूं प्लेयर मिले उन्होंने कहा कि साडी आह हालत है जी पंजाब दा प्लेयर सी पंजाब दा मुंडा सी पंजाबी सी। सो इस करके कैप्टन साहब ने पहला नहीं दिती नौकरी जो दूजे पासे गए तो वो ये पुछ लैन जदों उन्हां दा फिर अपने भाणजे भतीजे दे कंट्रोल ही नहीं ताइयों तो 8-8 करोड़ रुपया घरों मिलता सी फिर।